perfectionist. Intellectual. Complete personality. Kind. शफीक उस्ताद. वालेहाना मोहब्बत करने वाले. और ये सब मिला के बनते थे फारूक सर. जिंदगी के हर पल में पुतलियों का तमाशा है. 1976 से पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम कलियां के हर दिल अजीज किरदार अंकल सरगम के खालिक फारूक कैसर अपने अल्फाज अपनी आवाज और अपने तख्लीक करदा किरदार के जरिए मुतासिर करते रहे. वगैरह करते थे और जैसे ही हमें दावत मिली असलम अज़हर से 1972 में कि शुएब और हम जो चाहें करें, तो हमने सोचा बच्चों का प्रोग्राम होना चाहिए. उसका नाम हमने अकड़ बकड़ रखा और फारूक कैसर सबसे पहला हमारा पपेटियर था और हमारे घर में ही भी बतख उसने बनाई और उसमें वो खुद पहन ली उसने भी बतख और भी बत्तख के रूप में 26 हफ्ते उसने वो प्रोग्राम किया. और लेकिन साथ ही साथ सब गीत अकड़ बकड़ के कई डायलॉग्स शुएब के साथ मिल के और वो जो शेर जो उसके सुनाता था एक भालू बनाया था वो भालू शायर था. देखो मैं क्या चाहता हूँ. मैं मुल्क में खालिस गिजा चाहता हूँ मेरी सादगी देख. मैं मुल्क में खालिस गिजा चाहता हूँ मेरी सादगी देख. मैं क्या चाहता हूँ. मैं अपने वतन से वफा चाहता हूँ मेरी सादगी देख. मैं क्या चाहता हूँ. मैं झूठों में सच्ची सदा चाहता हूँ. मैं झूठों में सच्ची सदा चाहता हूँ मेरी सादगी देख. मैं क्या चाहता हूँ. क्या बात है उस्ताद. और आखिर में अर्ज किया कि मैं इंसाफ की इंतहा चाहता हूँ. मैं इंसाफ की इंतहा चाहता हूँ. मैं सच बोलता हूँ सजा चाहता हूँ. क्या पपेट्स दुख देते. मेरे ख्याल में इंसान ही इतना दुखी है कि उसको कह कह ईजाद करने पड़े और किसी जानदार में नहीं है. इसका मतलब यह है कि दुख जो है उसके तोड़ की उसको तलाश रहती है रहेगी. यानी दुख की वैक्सीन इंसान ने कह कहा जो है दुख की वैक्सीन मुस्कुराहट. और ये भी उनका ये भी एक आला है जो मेरे पपेट्स हैं. ये उस मुस्कुराहट उस खुशी उस हंसी उस कहके की एक अलामत है. टूटी सीटें फूटी बत्तियां टूटी सीटें फूटी बत्तियां जो भी बैठे खाए दुलतियां जो भी बैठे खाए दुलतियां वो थोड़ी थोड़ी जल्दी थे बोता खंग दी वो थोड़ी थोड़ी ये जल्दी थे बोता खंग दी अंकल सरगम की गाड़ी निराले ढंग की हो अंकल सरगम की गाड़ी निराले ढंग की.
अभी चंद माह की बात है, अरशद महमूद आए हुए थे कराची से, जो कंपोज़र हैं, और टीना सानी। तो हम फारूक कैसर के घर गए उन्हें मिलने के लिए, और पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वो ज़माना हम याद कर रहे थे जब अर्ली 70s में हम तमाम लोग, जिनमें फारूक कैसर भी शामिल थे, टालमटोल, सच गप और अक्कड़ बक्कड़, ये हमारे उस्ताद शुएब हाशमी साहब ने शुरू किया था प्रोग्राम, और हम तमाम लोगों को, जिसमें नयरा भी इंक्लूडेड थी और नवीद शहजाद, हम सब लोग इन्हीं तीन प्रोग्राम में से बाहर निकल के आए। मैं तो एज डायरेक्टर आया, बाकी सारे सिंगर्स और एक्टर्स बन के आए। और फारूक कैसर, अगर आपको याद हो, बी बतख, वो उस ज़माने में वो उन्होंने पपिट पहली मरतबा बनाया था, NCA में पढ़ रहे थे ये। तो अब यूँ हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पपिट्स इन्होंने बनाने शुरू किए, ही वॉज बीइंग नोटिस्ड, और फिर 5 साल के लिए ही वेंट रोमानिया फॉर दिस पपेट्रिंग के लिए, उनको मिला स्कॉलरशिप पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद आए तो यहाँ आके उन्होंने अंकल सरगम शुरू किया 70s में, और फिर वो अब तक चल रहा है। आप उनके उससे अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने कितनी परफेक्शन इस्तेमाल की। देखिए, एक बात होती है कि उसमें ही उनके कैरेक्टर्स के थ्रू उन्होंने जो हमारे सोशल मसाइल होते थे उनको उन्होंने हाईलाइट किया, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। ऐसा कोई आज तक किसी ने किया नहीं था टेलीविजन में। बाद में उनको देखा देखी और लोगों ने किया, मगर ही इज़ द पायनियर ऑफ ऑल दैट। अब देखिए, चंद दिनों से या पिछले साल से हमारे बहुत सारे जो हमारे पर्सनैलिटीज़ थी गोल्डन पीरियड की, जिनमें कमल नसीर थी, तारिक अजीज़ थे, शौकत अली थे, हसीना मोइन थी और फारूक कैसर थे, दे हमसे जुदा होते गए। और अब आप देखिए कि द हिस्ट्री, जो हमारी गोल्डन हिस्ट्री है, वो उनके साथ ही डिसअपियर हो रही है। बेअदब क्लास खामोश, ओ सुना नहीं तुमने? अरे रहम दे उस्ताद, आजकल टीचर की सुनता कौन है, कहीं इस क्लास से कुछ ना सुन लेना। खामोश, ओए क्लास मुझे क्या सुनाएगी? ले दस, ये क्लास तुम्हें क्या नहीं सुना सकती? तुम फरमाइश तो करो, रॉक एंड रोल या कोई इंग्लिश गीत। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो छोड़ो, मैं आज लेट आने पे क्लास से माफी मांगता हूँ। देखो साहब, तुझे माफी नहीं मिल सकती, पूछो क्यों? क्यों तुम बताओ ना। देखो साहब, तुम्हें माफी इसलिए नहीं मिल सकती कि तुमको बड़े आदमी तो नहीं, और देखो ना, हमेशा माफी तो बड़े आदमी को मिलती है। हुकूमत पाकिस्तान ने आपकी बे इंतहा खिदमात के इतराफ में सन 1993 में आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा, 1997 में यूनिसेफ अवार्ड, और 2010 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और हाल ही में दिया जाने वाला तमगा इम्तियाज आपकी खिदमात और आपकी तरफ से मुआशरे की उमूमी इस्लाह की काविशों का एतराफ हैं। फारूक कैसर की तहरीरें हों, तस्वीरी खाके हों, या फिर आपके तख्लीक करदा किरदार, आपके हर रंग में मुआशरे की अखलाकी किरदार साजी का उंसर नुमाया रहा। फारूक कैसर साहब, आप इस दुनिया से रुखसत हो गए, आपको खुदाफिज कहना चाहती हूँ, और आपको ये बताना चाहती हूँ कि चाहे जिस्म चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमसे रुखसत हों, ऐसा नहीं हो सकता कि हम आपके काम, आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस, आपका जो स्टैचर जिस जगह पे पहुँच गए थे आप, वो हमारे दिलों से दूर हो, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो कभी भी नहीं जाया करते। तो आपको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत से पाकिस्तानियों का बचपन हैं, आप उनका लड़कपन हैं, आप उनके जवानी के दौर में उनको समझाते रहे हैं, आप हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा हैं, बहुत सी नस्लों का, मैं कहूँगी 3 generations का आप उसकी कॉन्शियसनेस का, उसकी लर्निंग का आप हिस्सा हैं। हमने आपसे एथिक्स सीखे हैं, आपने आम जबान में इस तरह से हमें कम्युनिकेट किया और इतने फ़नी तरीके से कम्युनिकेट किया। आप शायर भी थे, आप लिखारी भी थे, अब बस टैलेंट हर तरह का कूट कूट के भरा हुआ था। फिर फैज़ साहब ने, एलिस फैज़ ने आपसे कहा कि PNCA का लोगो बनाओ, तो वो आपने एक तावीज़ की शक्ल में हमारा लोगो बनाया जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। और एज़ DG PNCA मुझे बहुत फ़ख्र है इस बात पे कि आखिरी साल आप हमारे यहाँ एज एक्सपर्ट थे, और हमारी पपेट्री का जो डिपार्टमेंट है उसको हेड कर रहे थे, हमें गाइड कर रहे थे। जो सबसे बड़ा शायद लेसन मैंने ज़ाती तौर पे सीखा, और मेरे जैसे बहुत सारे कल्चर वाले जो लोग हैं, जो आर्ट की दुनिया से मुंसलक हैं,
उन्होंने ये सीखा कि इतनी तल्ख हकीकतें, इतने नेगेटिव सोशल इश्यूज या समाजी नहीं तो पॉलिटिकल इश्यूज भी इतने पेचीदा जो हों, उनको हंसते हंसते कैसे आसानी से आप कह देते थे, और वो हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन है। सो आपको हम खुदा हाफिज़ तो कह रहे हैं, लेकिन भारी दिल के साथ नहीं, बहुत सेलिब्रेशन के साथ कि ऐसी ज़िंदगी, हम एनवियस हैं कि ऐसी ज़िंदगी हमारी भी हो, और ऐसी मौत के भी हम एनवियस हैं जो एक सेकंड में चला जाए इंसान इतने अरूज पे। मुझे खुशी है कि जब मुझे प्राइड ऑफ फॉर्म्स मिला तो मेरे साथ अंकल सरगम का नाम भी गजेटियर में लिखा हुआ था, फारूक कैसर ब्रैकेट में अंकल सरगम, यानी मैं और मेरा पुतला, हम दोनों ने ये अवार्ड, ये इज्जत, ये एजाज शेयर किया। फारूक कैसर जैसा दोबारा नहीं आ सकता। वो अपने आप एक इंस्टीट्यूशन थे, एक बहुत बहुत बड़े नकाद थे, टेलीविज़न की तारीख थे, और तारीख़ आपको पता है ऐसे नहीं बनती। जब कोई पपट बनकर आया करता था तो उस पपट की आवाज़ के लिए सारी टीम बैठा करती थी, तो उनको वह कहा करते थे भाई ये पपट आया है, इसकी आवाज़ दें अपनी अपनी आवाज़ों में। तो जब बोंगा बखील की आवाज़ का मौका आया, जब उन्होंने बोंगा बखील बना के लाए थे टीवी स्टेशन में, तो सब लोगों ने अपनी अपनी आवाज़ दी, लेकिन बोंगा बखील एक ऐसा पपट है जिसको मैं मैनिपुलेट करता था, और फारूक साहब उसके बारे में लिखा करते थे, जो अक्सर ये कहा करता था, मेरे प्यारे अल्लाह मियां, दिल मेरा हैरान है, मेरे घर में फाका है, उसके घर में नान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ और वो भी पाकिस्तान है। मेरे प्यारे अल्लाह मियां, एनु 18-19 बारी चुक ले, जड़ा कहंदा है अर्ज किया है, बेटे बोलो ना, मेरे प्यारे अल्लाह मियां, तुझसे कहनी है ये बात, अमीर की हालत बदली जाए, गरीब के ना बदले हालात। वाह 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 वाह, अमीर की हालत बदली जाए, गरीब के ना बदले हालात। वाह भाई वाह, क्या बात है। मुझको बांध के मंजी से वो करके अफार दाते, पहर की राती हो, पहर की राती। मेरी फारूक कैसर साहब से मुलाकात 76 में, कलियां प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा था, मेरा ख्याल दूसरी रिकॉर्डिंग थी कलियां प्रोग्राम की, दूसरे एपिसोड की। मेरे वालिद तुफैल नेजी साहब चूँकि उसमें म्यूज़िक देते थे, तो वो दूसरे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए जा रहे थे, तो मैं मुल्तान से पढ़ के मैट्रिक का एग्ज़ाम दे के आया, तो मैं उनके साथ टीवी चला गया, तो सामने फारूक कैसर साहब बैठे हुए थे कमरे में, और कैसर फारूक साहब टीवी प्रोड्यूसर थे, वो बैठे थे, तो फारूक कैसर साहब की नज़र मेरे पर पड़ी, तो मेरे वालिद से कहने लगे तुफैल साहब से, तुफैल साहब ए बच्चा कौन है? तो मेरे अब्बा कहते हैं हाँ ये मेरा छोटा बेटा है बाबर, ये मुल्तान दा शाहजी बस अचानक आ गया। तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुझे देखा, तो देख के कहने लगे तो फैल साहब थोड़ी स्टेपनी है, तो एकदम कहका सा लगा, तो वालद साहब ऐसे, तो मुझे कहने लगे बेटे आप मेरे साथ काम करोगे टीवी में? तो मैं घबरा गया एकदम से, इधर अगर मैं देखता हूँ पपिट्स में या स्क्रिप्ट में या एक्ट में जो मुझे इस लाइन में लेके आए वो फारूक कैसर साहब लेके आए, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, जिसमें मैंने फिर हाडा राम, सवा लख, बीडू चाचा, रेड काओ, और संतरी मुकमुका, जे मामा जेरे गौर, वॉकी टॉकी, और सवा लख बाड़ी, बेताशा, हाडा राम पहला मेरा पपेट, तो इस हिसाब से मैं उनको उस्ताद तो मानता ही हूँ, लेकिन मैं उनको अपने वालिद की हैसियत भी देता हूँ। मुझे ऐसे आज महसूस हुआ कि जैसे मैं दूसरी दफ़ा यतीम हो गया, एक सर पे बहुत बड़ा साया था। मुझे औरतों की जॉब से चिढ़ है। कैसी बातें कर रहे हो टिमी, अच्छी वाली नौकरी तो मैंने कह जो दिया है तुमसे, वैसे आगे मैं और कोई दलील सुनना नहीं चाहता। क्या हो गया तुम्हें तैमूर? मैं पूछता हूं क्या नहीं है इस घर में, किस चीज की कमी है? तुम्हारी हसरत थी कि तुम्हारा अपना घर होता,
तो ये रहा वो घर। संजीदा लिखा तो दोस्तों ने कहा नहीं हमें तो कॉमेडी चाहिए, कॉमेडी देखना चाह रहे हैं, तो फिर कॉमेडी भी लिखे। वैसे मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मेरे ज़िम्मे ये काम है कि मैं कुछ अपनी एबिलिटी के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से, या जो मुझ में है वो मैं लाइटर वेन में, हल्के फुल्के अंदाज में कन्वे करूँ, तो वो चूँकि ये ज़िम्मेदारी है तो उसको पूरा करना भी मुझ पे एक फ़र्ज आयद होता है, और इसीलिए शायद मैं ने ये जो स्टाइल है लिखने का जिसमें ह्यूमर है, सिटायर है, ये मुंतखब किया। अफसर शाही जी, आपसे आखिरी सवाल है। सुना है कि आप फनकारों और दस्तकारों को बहुत कम मुआवजा देते हैं जबकि मार्केट में उनकी कदर कीमत बहुत होती है। अरे होती होगी, हम फनकारों को मुआवजा इसलिए कम देते हैं कि वो अपने काम में डटे रहें। हाँ हाय, मुआवजा कम मिलेगा तो काम में कैसे डटे रहेंगे? देखिए जी, अगर फनकार को, दस्तकार को हम मुआवजा ज्यादा देंगे तो वो हो सकता है कि अपने काम को छोड़ के कोई दूसरा बिजनेस करना शुरू कर दे। इसलिए हमने ये एक स्ट्रेटजी बनाई है कि फनकार को, दस्तकार को अदमोर रखो ताकि वो अपने काम में जुड़ा रहे और इसी से वाबस्ता रहे। फारूक कैसर साहब के साथ मेरा ताल्लुक कुछ 23 साल रहा, जिसमें हर रात मैं और फारूक साहब बहुत ज़्यादा बहसो मुबासा, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कल्चर, बहुत ज़्यादा मुआशरती नामवारियों, बहुत ज़्यादा मुआशरती बुराइयों पर हम लोग गुफ्तगू किया करते थे। और इन 23 सालों में मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा रहमदिल, शफीक और बहुत ही उम्दा इंसान पाया, बहुत उम्दा। ऐसे इंसान जैसे बच्चों का ख्याल रखते हैं, इसी तरह उन्होंने तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखा। नज़्म है छोटी सी कि अमीर ने जो पकड़ी है क्या खूबसूरत लकड़ी है। आहा, अमीर ने जो पकड़ी है क्या खूबसूरत लकड़ी है, लकड़ी पे जो नक्काशी है गरीब ने तराशी है। आहा, वाह वाह वाह, लकड़ी पे जो नक्काशी है गरीब ने तराशी है, अमीर की ये सोटी है और गरीब की ये रोटी है। इंसान दुनिया में आता है जाने के लिए, मगर कुछ लोग पैदा होने से लेकर मरने तक के सफ़र में अपना ऐसा मुकाम पैदा कर लेते हैं जो नाकाबिले फरामोश होता है। मैं समझती हूँ कि फारूक कैसर साहब इन्हीं लोगों में से एक थे जिन्होंने अपने पैदा होने का पूरा हक अदा किया, ना सिर्फ अपनी तहरीरों से बल्कि अछूते किरदारों को तख्लीक करके भी। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जहाँ उन्होंने अपने पैदा होने का हक अदा किया वहाँ पे उन्होंने मुआवजा भी पूरा वसूल किया लोगों से प्यार और मोहब्बत की शक्ल में। मेरा उनके साथ एक लंबा अरसा साथ रहा है, हमने पपेट से लेके मपेट और मपेट से लेके ह्यूमन कैरेक्टर तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी रहे। तो मेरी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं, मुझे बहुत कुछ उनसे लर्न करने को मिला, बहुत सीखा मैंने उनसे। दुनिया में जीनियस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैन ऑफ विज़न और दूसरे होते हैं मैन ऑफ एक्शन। लेकिन अल्लाह ताला ने फारूक कैसर साहब के अंदर ये क्वालिटी पैदा की थी कि वो एक ही वक्त में दो तरह के थे, मैन ऑफ विजन भी थे और मैन ऑफ एक्शन भी थे। फारूक कैसर साहब ने मुझे बोलना सिखाया, चलना सिखाया, इवन देखना सिखाया। ख्वाब थक जाएंगे जब नींद में चलते चलते, थक के सो जाएंगे फिर आंख में पलते पलते, वाह वाह, और चाहतें और सिमट जाएंगी रफ्ता रफ्ता, चाहतें और सिमट जाएंगी रफ्ता रफ्ता, रूप ढल जाएगा जब उम्र में ढलते ढलते, वाह वाह, और याद रखेगा भला कौन तमाजत उसकी, आहा, याद रखेगा भला कौन तमाजत उसकी, धूप मर जाएगी जब शाम में जलते जलते, और लाख सपनों को निगाहों में सजाए रखिए, लाख सपनों को निगाहों में सजाए रखिए, टूट ही जाएंगे ये आँख के मलते मलते।